बहुत समय पहले जब एडम और ईव को बगीचा छोड़ना पड़ गया था, ईश्वर की बात ना मानकर वो बहुत नाखुश थे। हे ईश्वर, आप बताइए कि हम कैसे साबित करें कि हम शर्मिंदा हैं। बताइए मेरे मालिक। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें एक मेमने की बलि देनी होगी। एडम और ईव ने ईश्वर की बात मानकर मेमने का बलिदान दे दिया। कुछ समय बाद एडम और ईव को दो बच्चे हुए। पहले बच्चे का नाम था केन और दूसरे बच्चे का नाम था एबल। केन एक किसान था जो सब्जियां और धान उगाता था। एबल एक गड़हरिया था जो परिवार की बकरियों के झुंड को संभालता था। अगर हमने एक बकरी का बलिदान दिया तो हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर पाएंगे। वो शुक्रगुजार होंगे और हमारी गलतियों को माफ कर देंगे। हमें ये उनके लिए करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए, जैसा आपने कहा है मैं मेमने की बलि दे दूंगा। अगले दिन एबल और केन ने बलि देने का सारा बंदोबस्त कर लिया। एबल, क्या तुम पिताजी के कहे अनुसार इस बकरे की बलि देने के लिए तैयार हो गए? हाँ, पर मुझे इस बात की चिंता है कि मेरी दी हुई बलि ईश्वर के लिए खास होगी या नहीं होगी। मैं अपने सबसे प्यारे और बढ़िया बकरी को चुनूंगा और ईश्वर को भेंट चढ़ा दूंगा। ये मेरी पहली कुर्बानी होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम उस बकरे की बलि देना चाहते हो जिसने इस झुंड के सबसे पहले जन्म लिया? मुझे माफ करना, लेकिन इसे खोने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। इसे कुर्बान करना तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल लग रहा है, पर हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है। हम ईश्वर का कहा भला कैसे टाल सकते हैं? मुझे लगता है तुम बेवकूफ हो जो बढ़िया बकरी की कुर्बानी दे रहे हो। हमें उसकी जरूरत है, ना कि ईश्वर को। वो इस बात से भी उतना ही खुश होंगे अगर हमने किसी ऐसी चीज की बलि दी जो इतना कीमती नहीं। सोचो, हमेशा एक बकरा ही क्यों? मैं एक किसान हूँ और बहुत इंतजार के बाद फसल उगती है, पर सारी फसल का मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए बाकी बचे हुए अनाज को आग लगा दूंगा। इस तरह मैं कुछ व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नहीं, तुम गलत बोल रहे हो। हमें उसी चीज की बलि देनी होती है जो हमें प्यारी होती है। मैं वही करूंगा जो मैंने तय किया है। ईश्वर एबल के तोहफे से खुश थे। पर ईश्वर केन के तोहफे से इतने खुश नहीं हुए। केन को बहुत जलन हुई, पर ईश्वर ने केन से बात की। तुम अपने भाई पर नाराज क्यों हो रहे हो? अगर तुम वो करोगे जो सही है तो तुम हमेशा खुश रहोगे, पर जरा संभल कर, बुरे ख्याल तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। अपने गुस्से पर काबू रखो। केन ने ईश्वर की बात नहीं मानी और अपने भाई पर इल्जाम लगाया। ईश्वर मुझसे प्यार नहीं करते, वो सिर्फ एबल से प्यार करते हैं, और मैं ये सहन नहीं कर सकता। मुझे मेरे भाई को ठिकाने लगाना ही होगा। मुझे उससे नफरत है। कुछ दिन गुजरे, केन एबल से बहुत नफरत करने लगा था, और एक दिन उसने एक घातक प्लान को अंजाम देना तय किया। एबल, मेरे साथ जरा खेत में चलोगे? जरूर। एबल अपने बड़े भाई से प्यार करता था और उस पर भरोसा भी करता था, और इसलिए वो अपने भाई के साथ खेत में चला गया। और केन एबल को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ कोई उन्हें देख नहीं सकता था और ना ही सुन सकता था। उसने एक पत्थर लिया और एबल को मार डाला। केन को अपनी गलती का एहसास हुआ। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मैंने अपने भाई को ही मार डाला। मैं अपने घर की ओर भागता हूँ। इस तरह मैं अपने पिता और माता के शक से बच जाऊंगा। बेटा केन, एबल कहाँ है? पिताजी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सीधे खेत से आ रहा हूँ। भीड़ बिना एबल के लौट आई है, तुम जरा बाहर जाकर एबल को ढूंढोगे? जैसे ही केन बाहर गया, ईश्वर ने उसे कहा, मुझे कैसे पता होगा? क्या हर वक्त मुझे ही अपने भाई का ख्याल रखना है?
पर ईश्वर को पता था कि केन ने क्या गलती की थी। केन, तुम अपने एक लौते भाई के साथ इतने जालिम कैसे हो सकते हो? उसने कुछ नहीं किया है, उसने जो सही समझा वही किया। मेरे लिए, परिवार के लिए और तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे भाई का खून जमीन पर देख सकता हूँ, क्योंकि तुमने अपने भाई का खून जमीन पर बिखेरा है। अब तुम्हारे जमीन पर फसल कभी नहीं उगेगी। अब तुम्हें खाने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यही सजा मैंने तुम्हारे लिए तय की है। ईश्वर, ये सजा मेरे लिए बहुत कठिन है। मेरे रिश्तेदार मुझे मार डालेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। मुझे उनसे भी दूर भागना पड़ेगा। तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं तुम पर एक निशान बना दूंगा। इसे देखते ही कोई भी तुम पर हमला नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि मैं देख रहा हूँ। और उस बुरे मनहूस दिन पर केन ने अपने परिवार वालों को अलविदा कह दिया। और उससे भी बुरा, अब ईश्वर उसके साथ नहीं थे। और ये सबसे दर्दनाक बात थी। केन नॉट नाम की एक जगह पर रहने लगा।